बात पृथला की, जहां मोहना रोड पर शुक्रवार की देर रात ईंटों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क मार्ग जाम कर दिया। रात करीब 12 बजे लोगों को समझाकर पुलिस ने जाम खुलवाया और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। पर फिर ओवरलोड जो ट्रक है उनकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं बता दूं कि बीते 10 दिन पहले एक 11 वर्षीय मासूम बच्चे की पनेड़ा खुर्द के अंदर मौत हो जाती है, और आज फिर बीती रात को एक 35 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड के चलते लगातार यहां पर एक मौत और हो जाती है। तमाम गांव के जो लोग हैं वो यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, ओवरलोड ट्रैक्टरों का आतंक लगातार जारी है, क्या कहेंगे, किस तरह से कल की वारदात घटित हुई? देखो जी, ये आप पे तो डेली, पहले भी एक बच्चा मरा था, अब भी वे भी अकेला ही था उस पे, और ये भी इस पे जो है, मतलब 6 तो लड़की इस पे हैं और 2 भाई की हैं, वे पहले गुजर गया। तो ये तो अब ऐसे तो हो, पूरा आतंक होता ही रहेगा। ये तो ट्रैक्टर वालों का, ट्रैक्टर वाले पे कोई ना लाइसेंस है, ओवरलोड चल रहे हैं, ना कहीं पर लाइसेंस है, ना कागज है, ना कोई इंश्योरेंस है, और ये भट्टा के अंदर, भट्टान के अंदर ही वो ट्रैक्टर गुम कर दिया उस लड़के को मारने के बाद। जो लड़का मारा है वो 7:30 बजे उसको मारा है, और भट्टा वाले कोई किसी को बताने के लिए राजी नहीं है। भट्टा के अंदर ही वो ट्रैक्टर गुम कर दिया है। प्रशासन का बिल्कुल भी साथ नहीं था। प्रशासन जब आया, जब 2 घंटे वहां धरने पर पड़े रहे, बारिश में सब पड़े रहे, 12 बजे प्रशासन आया वहां। बिल्कुल, वारदात को करने के बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉली है ओवरलोड, वो वहां मौके से गायब कर दी गई है। और मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही एक 11 वर्षीय मासूम की यहां पर हत्या हुई थी, उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो इन पर कार्रवाई करता नजर नहीं आया। भाई साहब, आप परिजन हैं, क्या नाम है आपका? हम पड़ोसी हैं जी। पड़ोसी हैं आप, वारदात हुई है 10 दिन पहले, एक बच्चे की मौत हो जाती है, आज फिर मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस रात को भी कोई सांत्वना नहीं दी, वो तो बस ये डेड बॉडी को उठाओ, डेड बॉडी को उठाओ, और कुछ उन्होंने किया ही नहीं। जाम को खुलवाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कार्रवाई करेंगे या ठोस कदम उठाएंगे इन ट्रैक्टरों के खिलाफ। ट्रैक्टरों का पूरा आतंक है। बिल्कुल, बता दूं कि हरियाणा न्यूज ने पहले भी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की खबर चलाई थी, जिसमें लगातार ग्रामीण जो पुलिस प्रशासन पर लेन देन का आरोप लगाते हुए नजर आए थे। वजह कहीं ना कहीं अभी जो सामने आने वाली है वो देखने वाली बात होगी कि क्यों आखिर पुलिस प्रशासन इन ओवरलोड ट्रैक्टरों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश है। राकेश, राकेश जी, 2 घटनाएं गांव के अंदर हो गई, आपके जवान मौत, एक मासूम बच्चे की मौत, लेकिन पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नाकामयाब साबित हो रहा है? भाई साहब, एक तो मेरा भतीजा है खासी, ये मेरा पड़ोसी है गांव का, बहुत बुरा हाल है गांव, मातम छा हुआ है, 12 बार मरने हुए उसके, बहुत बुरा हाल है गांव में। इन ट्रैक्टर वालों ने बिल्कुल, सरकार भी हमारे साथ तो कर रही है, सरकार तो जाती दिखा रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है भाई साहब? संजय। संजय जी, क्या बात है जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लगातार 2 मौत गांव में हो गई, रिश्वत खा रही है, रिश्वत खा रही है पुलिस, तो कोई सुनवाई ना कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, रिश्वत खा रही है पुलिस तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं, ये पृथला विधानसभा के पनेड़ा खुर्द का बीती रात का मामला है, जहां पर 35 वर्षीय युवक की एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से मौत हो जाती है, और 10 दिन नहीं हुए उससे पहले 11 वर्षीय मासूम की यहां पर मौत हो गई थी। जो ग्रामीण है वो लगातार यहां पर रोष में नजर आ रहे हैं। पृथला विधानसभा से धीरज कौशिक की रिपोर्ट।